हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से परीक्षा शुरू होने वाली है। वैसे छात्र छात्राएं जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए थे या किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आया था, तो जैक बोर्ड ने आप सभी को एक बहुत बड़ा मौका दी है, एक अवसर दी है कि आप इस एग्जाम में शामिल होकर अपना रिजल्ट बना सकते हैं, अपना जो है नंबर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंपार्टमेंटल एग्जाम्स की। तो दोस्तों, लगातार बच्चों का ये कॉमेंट आ रहा है कि सर कंपार्टमेंटल एग्जाम में टाइमिंग क्या रहने वाला है, किस तरीके से एग्जाम्स होगी, क्वेश्चन कहां से दिए जाएंगे, पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर करते जाइएगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना है। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक वालों का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होगा वो जो है 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक होने वाला है, और 12 वालों का यानी कि 12वीं क्लास वालों का जो है 17 से 25 तक जो है यानी 25 अगस्त तक जो है आप लोगों का एग्जाम जो है चलने वाला है, संचालित होने वाला है। तो यहां तक तो आप लोगों को मालूम है क्योंकि रूटिंग आप लोगों को मिल चुका है, रूटिंग आप लोगों ने देखा है। तो लगातार बच्चों का कमेंट है कि पैटर्न क्या होने वाला है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। ये दोनों जो आपका कंपार्टमेंटल मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का होने वाला है, ये आपका टर्म 1 प्लस टर्म 2 के आधार पर होने वाला है, ठीक है। टर्म 1 जो एग्जाम्स होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपका ओमार पर एग्जाम्स होने वाला है, और टर्म 2 जो होगा वो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि मिश्रित सवाल दिए जाएंगे, और यह जो एग्जाम्स होगा ये आप लोगों का लिखित लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका पर जो है होने वाली है। और इसका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से दिया जाएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोस्तों, जैक बोर्ड ने, ठीक है, देखिए जैक बोर्ड ने जो है पहले जो है आप लोगों का पांच सेट आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया है, ठीक है। मॉडल पेपर जो है आप लोगों का जारी हुआ है, अगर आप उस मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं, मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे लगभग 60% जो है दोस्तों कंफर्म है, 60% जो है आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। और प्लस में अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर खरीदा है, जैसे वर्मा टूडे हो गया, वर्मा गेस्ट पेपर हो गया, समुद्रन हो गया, ये सभी गेस्ट पेपर आप लोग खरीदे हैं, सैंपल पेपर खरीदे हैं, अगर उन सभी से भी आप लोग पूछ समझ लेते हैं तो आप लोगों का जो है 40% जो है सैंपल पेपर से होगा, जो गेस्ट पेपर से होगा, सभी से जो है 40% रहेगा, और 60% आपका मॉडल सेट से जो है आप लोगों का क्वेश्चंस पेपर क्वेश्चन जो है टच होने वाला है। तो यानी टोटल आपका जो है 100%, ठीक है, 100% जो है सवाल इस यहां से पूछे जाएंगे। 40% जो है मैंने बताया ये आपका सैंपल पेपर है, ठीक है, यानी कि जो है आपका सैंपल पेपर से है और गेस्ट पेपर से है, ये गेस्ट पेपर से और सैंपल पेपर से 40%, मॉडल पेपर से जो है 60% जो है आप लोगों का क्वेश्चंस पूछने वाला है। और आज से आप लोगों का जो एग्जाम्स होगा वो जो है 25 तक संचालित होने वाला, और इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है समय जो मिलेगा आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है, 3 घंटे का समय मिलने वाला है, जिसमें कि 1.5 घंटा जो है आप लोगों का दोस्तों 1.5 घंटा जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, और 1.5 घंटा जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। टोटल आपको 3 घंटा जो है समय मिलने वाला है, और इसको आप लोग अच्छे से बनाना है क्योंकि ये आखिरी मौका आप सभी के लिए। इसके बाद अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट बूस्ट करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए कोई भी आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, फिर आगामी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इस बार एग्जाम को जो देना है अच्छे से आप लोगों को इसको जो है बढ़िया से तैयारी करके देना है। और आप लोगों को क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न भी मैंने बता दिया है, कहां किस तरह से समय आप लोगों को मिलेगा, सारी चीजें मैंने आपको बताया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।